हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेन पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे कच्चे केले का भरता बनाने के बारे में। सबसे पहले हमने केले को बॉयल कर लिया है, देख लिए कुछ इस तरह से हमने बॉयल कर लिया है। एक सीटी लगाई थी कुकर में हमने, आप भगोने में चाहें तो उसमें भी बॉयल कर सकते हैं। हमने टोटल 6 केले बॉयल किए हैं। इसके बाद में इसे छील लेंगे। छीलने के बाद में इसके छिलकों को फेंकिएगा बिल्कुल भी मत। इससे भी हम आपको एक नई रेसिपी बनाना बताएंगे, लेकिन चलिए पहले हम भरता बनाना बताते हैं। इस तरह से हम सारे केलों को छील लेंगे। देखिए इसे हमने इस तरह से छील लिया है। अब इसे हाथों से मैश कर लेंगे। इस तरह से हम मैश कर लेंगे इसे। चलिए सारे केलों को ऐसे ही मैश कर लेते हैं। देखिए सारे केले को हमने मैश कर लिया है। चलिए बताते हैं कि और आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखना है। उसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, क्योंकि भरते का स्वाद सरसों के तेल में ही अच्छा आता है। चलिए कढ़ाई रखते हैं गर्म होने के लिए, उसमें डालते हैं मस्टर्ड ऑयल। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हींग। हींग डालने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े चम्मच से जीरा। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे लहसुन। हमने 15 से 20 कलियां रखी हैं लहसुन की, आप जैसे चाहे डालिएगा। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कट किए हुए। एक प्याज को हमने कट किया है, आधा हमने इसमें डाल दिया है, आधा बचाया है, बाद में बताएंगे कि इसका यूज करना कहाँ है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने 2 कट की है, आप स्वादानुसार डालिएगा जैसा आप कम तीखा ज़्यादा तीखा खाते हो। अब इसको अच्छे से चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और लहसुन भी। देखिए प्याज लहसुन सब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन की मात्रा हमारी 1 चम्मच है, छोटी चम्मच से। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें जो केले को हमने मैश करके रखा था, सारे केले को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। ये भरता बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस होता है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आया तो खाने के टेबल पे आप जरूर रखिए सब्जी के साथ। एक ऑप्शन ये भी रखिए, फिर देखिए लोग खाते हैं और क्या कहते हैं। इसको अच्छे से हम चलाएंगे और गैस का फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। 5 मिनट तक हमने फुल फ्लेम पे इसे भूना है। इसके बाद में अब हम डालेंगे नमक, स्वादानुसार जैसा आप खाते हो वैसा डालिएगा। इसके बाद में फिर से इसे चलाएंगे और फुल फ्लेम पे 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि नमक भरते में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में गैस का फ्लेम जो होता है उसे बंद कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों तैयार है हमारा भरता। इस तरह से आप भरता बना कर जरूर खाएं। लास्ट में हम डालेंगे प्याज। हमने बताया था थोड़े से प्याज हमने बचा लिए थे, अब लास्ट में हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद में आप लेमन लीजिए, उसको निचोड़ दीजिए। अगर आपको लेमन नहीं पसंद है तो मत निचोड़िए, ऐसे ही खाइए। लेमन पूरी तरह से ऑप्शनल है। इस तरह से भरता बनाकर जरूर खाइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।